हाय दोस्तों, आप सब लोगों को जय श्री वंडरलैंड में स्वागत है। आप सब लोग कैसे? आई होप आप सब लोग अच्छे होगा। मैं आज बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में उपमा। ऐसे भी ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हमारे घर पर सब लोगों को बहुत पसंद है। बच्चे को भी पसंद है, रवि को भी पसंद है, मुझे तो ऑलरेडी पसंद है। इडली, डोसा, उपमा, ये सब ब्रेकफास्ट में लेने के लिए। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सूजी गरम कर रखा हुआ है साइड में, फिर ले आए ऑयल। कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ है। ऑयल गरम होने के बाद मैंने डाला है राई और जीरा, और इसमें डालना है फिर कड़ी पत्ता, रेड चिली और दो हरी मिर्च मैंने कट कर रखा हुआ था ये, और अदरक, ये सब डालकर अच्छे से इसको मिक्स करना है। कड़ी पत्ता और रेड चिली, ग्रीन चिली और अदरक होने के बाद इसमें डालना है पानी। इसको अच्छे से भूनना है, कारण कि अदरक और ग्रीन चिली को अच्छे से बूंद कर पकाना है। फिर इसमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम लोग नमक ऐड करना है। मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है, और फिर थोड़ी से हल्दी ऐड करना है। हल्दी के बाद में 2 टीस्पून चीनी भी ऐड कर लेना है, और फिर इसे अच्छे से एक उबाल आने के लिए छोड़ देना है। फिर हम इसमें गरम कर रखा हुआ सूजी ऐड कर अच्छे से मिक्स कर 5 मिनट तक पकाएगा। जल्दी से हेल्दी और एमी उपमा ब्रेकफास्ट में रेडी हो जाएगा। और इधर हम लोग देखते हैं मीटू क्या कर रहे हैं। मीटू देखो, वैष्णवी इधर डांस कर रही है, उसके देखकर एंजॉय कर रही है, और रवि इधर आप लोगों को हाय बोल रही है। मैं इधर कुछ कपड़ा सुखाया हुआ है, कारण कि बारिश बहुत हो रही है बाहर। आर्थिक पढ़ाई कर रही है, आज उसका यूनिट टेस्ट भी है ऑनलाइन में। और बारिश देखो सुबह से लगा हुआ है, बारिश बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया, कल से स्टार्ट हुआ है बारिश, अभी तक एंड नहीं हुआ है। चलो हम लोग पानी हो गया है, इसमें डालना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है। मैं पानी थोड़ी नहीं, बराबर सूजी ले लेगा अच्छे से मिक्स करना है। रेडी हो गया हमारा ये मम्मी उपमा का रेसिपी मैं ऑलरेडी दिया हुआ है। रेडी
जल्दी से बन जाएगा ये उपमाव। उपमाव पोहा जैसा है, जल्दी से गरम गरम सेव करना है। उसके साथ केला हुई तो बहुत अच्छे लगते है। नहीं है मेरे पास केला के साथ, बहुत अच्छा। इसमें सब वेजिटेबल डाल सकती है, एग्जाम्पल तरीके कैरेट, बीन्स, मटर और मूंगफली भी डाल सकते हैं। और चलो मुझे नहीं पसंद आता वो वेजिटेबल वाला, वो वेजिटेबल वाला वो मुझे नहीं पसंद आता। देखो देख लीजिए, तो वेजिटेबल कहाँ में भाई पहुँचा है ना, वेजिटेबल कहाँ पे पहुँचा है ना। चलो सर्व करते हैं। चलो आप लोग भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमारा पूजा पूछा तो हो गया है। तो हमारा फ्लिपकार्ट में से एक पार्सल आया है, हमने भी मंगाया है चोपर। चलो देखते हैं पार्सल किचन की जादू कर ले जाए। चलो इस पार्सल को अनबॉक्स कर रही है रवि। हाय, कितना दिन से मगाना मगाना ऐसा सोच रहे थे। और रेडी आ चे तो ये निकला है चोपर। छोटे से मंगाई है हमने। चलो और किचन का महारानी आ गया है। चॉपिंग नहीं, चॉपिंग हमारा कितना दिवस थे इसको लेना है। हाँ कितना दिन से, सॉरी कितना दिन से इसको लेना है सोच रहे थे। ऑलरेडी हमारे घर पर भी आ गया है चॉपर। अच्छा है फिर वॉश करना है। कलर भी अच्छा है इसका, कलर ही इसका ध्यान है। इसकी ब्लेड बहुत कड़क होती है, ध्यान रखना। दूसरा कलर भी आता है, ब्लू आता है, ग्रे और ग्रीन आता है। तो ब्लू लेना था ना, रेड नहीं था। रेड नहीं आता है इसमें, दो ही कलर आता है, ग्रे और ग्रीन और ब्लू आता है। हाय आइस क्यों ऐसा कर दिया, क्या मिल सकता है, ये तो नॉर्मल आइस। चलो पैक कर रख दिया बस। ये नए घर में जाएंगे ना तब इस्तेमाल होगा, ऐसा बोलती है जैसे। नहीं ये कोई इसमें प्रॉब्लम है तो ये वापस भी रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो सबको पता है। हाय, चलो संडे मंडे कुछ भी नहीं बताया लॉकडाउन में। चलो मैं घूम के
किया था। किधर जाना है? बस स्टैंड पे जाने का है। क्यों? बस ऐसे हाँ, शक्तिमान है। शक्तिमान देवो स्टेशन टेस्ट है। अमी तो मीठ बात सुबह से दिमाग गर्म है। मीठू का दिमाग गरम कैसे हो गया पता है? सब लोग लेट उठा इसलिए। हम दोनों लेट उठे ना, नहीं तो हम लोग वो मेरे देखने जा रही थी डोर के पीछे, हम तो है ना वो। चलो आपका हेयर बनाती हूँ और डोर खोलने नहीं दे रहा था। वो 5 बजे उठ जाता है। डांस करना है वैष्णवी का, वीडियो के लिए एक डांस शूट करना है अभी। चलो आज ऐसे भी संडे है ना, संडे इसको डांस करना है ना वीडियो में। हैं हेलो, आप टेस्ट के लिए तैयारी करो। हाय, इधर डिनर के लिए भजिया बना रही हूँ, बेसन के पकौड़े। नहीं, बारिश के मौसम में बेसन के पकौड़े के। चलो कोरिएंडर लीव्स की पकौड़े बना रहे हैं। इसमें डाला है कोरिएंडर लीव्स और बारीक कटे हुआ कोरिएंडर लीव्स और 2 हरी मिर्ची डाला है और नमक, दूसरा कुछ नहीं है। जिससे भजिया बना रही है रवि। हाय हाय, भजिया भजिया दोपहर का हम लोग लंच तो मिक्स सब्जी, चपाती और चावल ये सब बनाया था। और मैंने सोचा चलो बारिश का मौसम में पकौड़ा भी खाने चाहिए। चलो रसी तो पकौड़ा और बहुत गर्म हो गया था ना। आज दोपहर का हम लोग बहुत सारे सब लोग सो गया था नहीं। इतना सो गया, इतना सो गया खाने का था। बारिश का मौसम है इसलिए सो गया था। हो गए, टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया इसलिए सो गया था ना। तो टीवी देख रहे था ना, तो थोड़ी देर टीवी देख लेते होने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, नेटवर्क नहीं था। फिर तो शाम को सो गया था, शाम को 6 बजे उठा 6 बजे उठा, 6 बजे रिचार्ज हुआ। और फिर चाय चाय पीकर थोड़ी बात कर लिया और ये मंदिर चले गया था दर्शन करने के, हनुमान जी के। आज शनिवार है ना इसलिए। और फिर आकर सोचा क्या बनाऊं डिनर में,
तो फिर चलो बच्चे की डिमांड थी या चलो पकौड़ा बना देती। ऐसे भी बहुत दिन हो गया नहीं पकौड़ा बनाने, कब बनाया था, काफी सारा दिन हो गया। चलो हार्दिक दुकान गया था मैगी सॉस लेने के लिए, पिचको पिचको मैगी 15 रुपीस का आया। अचानक हम लोग बेसन का पकौड़ा बनाने के सोचा, इसलिए मेथी का मेथी नहीं थी इसलिए कोरिएंडर लीव्स से चला दिए मैं। पचिया भी अच्छे होते हैं। और फिर चटनी में तो चटनी तो विदेश से कब बनाएगा, और सोचा चलो सॉस लगा के बोलो कुछ भी तो बोलो बोलो कुछ भी बोलो। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दो और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आए तब चलो इधर बनकर रेडी हो गया है बेसन के पकोड़े और पकोड़े मींस भजिया और चटनी, चटनी नहीं है पिचकू सॉस सॉस चेक कर बताएं कर ले। चलो मैं चेक कर बताती हूँ। हाय हेलो ये अकेली हाय ये हमारा मीटू के लिए बनाया था, मीटू ने दे दिया आते अब कल मिलेंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Good night, sweet dreams.